शुभनी दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग उसी से सीरीज चल रही थी एज की, उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। कल क्लास आप लोग रेगुलर बराबर लोग नहीं रह रहे हो, कभी कोई और रहता है, कभी कोई और रहता है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो टाइमिंग चेंज कर दी जाए। ठीक है, जल्दी से सब लोग लावाइए। आज हम लोग देखिए पार्ट एज का पार्ट थ्री पढ़ेंगे। ठीक है, एज का पार्ट थ्री पढ़ेंगे यानी आयु संबंधी सवाल का। इसका सवाल जो बनेगा उसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। कुछ इसमें हमने आपको चर्चा किया था शुरू के पहले की वीडियो में कि इस पे कुछ रीजनिंग के भी सवाल बनते हैं, उन पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग आज नए पहली बार जुड़ रहे हैं, आप इसके दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट वन पार्ट टू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको दोनों का लिंक मिलेगा, दोनों देख लीजिएगा। अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं यानी तीनों वीडियो, इसका पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री, अर्थात क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री, अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से एज से संबंधित जितने भी सवाल आपको होंगे वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, सवाल टॉपिक पे चलें। चलिए, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कुछ न्यूमेरिकली सवाल हिंदी लैंग्वेज में, जैसे हमने कल आपको इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको चर्चा किया था कि उसमें हमने आपको बताया था कि जोड़ना यानी आयु में योगफल देना, अंतर देना, गुणनफल भी बात हुई थी। गुणनफल में एक टॉपिक, एक सवाल इसमें आपको मिलता है जिसमें दो लोगों की आयु का रेशियो देता है और उनका गुणनफल देता है। ठीक है ना, उस पर आज हम लोग टॉपिक पे करते हैं। चलिए सीधा सवाल पे आते हैं, वही सवाल, क्योंकि आज का जो क्लास होगा ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सवाल पर ही होता है। ठीक है ना, इसमें पहले से कुछ बताने के ज़्यादा संबंधित नहीं है। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात जो दिया गया है वो 4:1 का है, यानी पिता अगर 4 रेशियो होगा तो पुत्र 1 रेशियो होगा। यदि उसकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की रेशियो यहाँ दिया है ना, दोनों की रेशियो दिया गया है। अगर पिता को हम मान लेते हैं 4x, पुत्र को मान लेते हैं x, कोई दिक्कत? तो दोनों की आयु का गुणनफल दिया गया, गुणा करा देंगे, ये किसके बराबर है, 196 के बराबर है। क्लियर, आप देखिए इसको हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x² = 196 के, x² = बराबर क्या हो जाएगा, 196/4। ठीक, 4 से डिवाइड होगा, 4 चौक 16, 4 9 36, x² बराबर कितना आ गया, 49 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, √49 का मान क्या आएगा, क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर आके कर्णी बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब देखिए x यानी पिता जो था वो 4x था, पिता जो था वो कितना था, 4x था ना, अपुत्र कितने का था, x का था, जबकि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, तो 4 × 7 28 वर्ष, और ये 4 × 4 × x ना, 4 ही हो जाएगा, सही 4 × 7 हो जाएगा ना, 28 हो गया ना, और पुत्र जो होगा जो x की वैल्यू 7 है ना, तो 7 का पुत्र 7 वर्ष का होगा, पिता 28 वर्ष का होगा। किसी को दिक्कत भाई? अब यहाँ पे कह रहा है कई साल बाद, 5 साल बाद उनकी आय का रेशियो पूछ रहा है, तो 5 साल दोनों में ऐड कर देंगे, इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष, और इसकी हो जाएगी 12 वर्ष। क्लियर, डिवाइड हो जाएगा 3 से ना, 11 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 11:4। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है,
इस टाइप के सवाल आपको ऐसे ही हल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इनका तरीका जो होता है यही, जो अगर हम लोग यहाँ डायरेक्टली रेशियो से गुणा करा के इक्वल कर लेते तो गुणनफल में देखिए, जब दो रेशियो का रिलेशन देता है तो गुणनफल उनके जो रेशियो होते हैं उनके गुणनफल के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। योग और अंतर ये सब तो हो जाता है, जैसे अगर योग दिया होता तो यहाँ x मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको चार रेशियो एक पाँच रेशियो हो जाता ना। लेकिन अगर गुणा कराएंगे चार रेशियो एक रेशियो गुणा कराएंगे तो चार ही आएगा, जो कि वहाँ रॉन्ग हो जाएगा फिर। इसीलिए हम लोग गुणनफल के सेंस में जब दो संख्याएं गुणा होती हैं तो उनके वर्ग के बराबर होती हैं, बात समझ रहे हैं ना। कोई भी संख्या हो वो उनके गुणनफल अगर है तो वो, अगर मान लीजिए चर संख्या है तो वो उसके वर्ग के बराबर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर से रिमाइंड कर दें। बोलिए भाई, ठीक है ना। देखिए इस तरह के किसी को कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल देखिए, अब इसमें जो आज का जो क्लास होगा वो आपको इसमें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के कैसे सवाल इसमें रीजनिंग के, ये सब ज़्यादातर कभी कभी रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और बराबर देखते हैं, और नोट्स कॉपी में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इसको कॉपी कलम लेकर इसको नोट्स भी करते चलिए, ताकि कभी इन सवाल अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं तो आप इसको आसानी से लगा सकें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सवाल जान रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी की उम्र ज़रूर देता है, इसमें रिलेशन बनता है। देखिए कह रहा है विकास की आयु अपने पिता की आयु का आठवां भाग है, यदि 12 साल बाद उसके पिता की आयु महेश की आयु का चार गुना होगी, यदि महेश का पांचवां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो विकास की वर्तमान आयु क्या होगी। देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं किसी किसकी उम्र दिया रहता है। जैसे अगर इस सवाल को आप पूरा पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं किसकी उम्र पता है, महेश की। देख रहे हैं महेश की उम्र आपको पता है, कैसे जान गया, क्योंकि ये कह रहा है कि महेश का पांचवा जन्मदिन जो है वो 2 साल पहले था। ये यहाँ से इसका मतलब महेश की करंट में उम्र क्या होगी ये आपको पता लग जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। कैसे देखिए, क्योंकि महेश की करंट में एज क्या है, यानी वर्तमान में, क्योंकि पांचवा जन्मदिन वो 2 साल पहले मनाया था, इसका मतलब जब वो जन्मदिन मनाया था तब उतने साल का था ना, इसका मतलब 2 साल पहले वो 5 साल का था, यही तो इसका निष्कर्ष निकला। इस लाइन से यही तो कन्फर्म हुआ कि 5 साल पहले, यानी 2 साल पहले वो कितने साल का था, 5 साल का था, तो इसमें मतलब करंट में कितने का होगा, 7 वर्ष का होगा। तो यही चीज़ है कि इसमें महेश की कहीं ना कहीं उम्र पता है, ठीक। अब महेश अगर 5 साल का है तो अब यहाँ से देखेंगे तो किसकी उम्र पूछ रहा है, विकास की। तो अब यहाँ से महेश से विकास के पिता की आयु मिल जाएगी, क्योंकि उसने रिलेशन दिया है। देखिए 12 वर्ष बाद उसके पिता की आयु महेश की आयु का चार गुना होगी, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 12 वर्ष बाद उसके पिता की आयु महेश की आयु की चार गुनी है, तो यहाँ 12 साल बाद हम उसके पिता की उम्र निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 12 साल बाद महेश का उम्र आ जाएगी। 12 वर्ष बाद महेश कितने का होगा, तो महेश 12 साल बाद 19 वर्ष का होगा, नहीं होगा। अरे भाई 12 साल 7 साल में जोड़ देंगे, आज अगर वो 7 साल का है तो 12 साल बाद 19 का हो जाएगा, और 12 साल बाद महेश अगर 19 साल का है तो उसका पिता, यानी किसका पिता, विकास का पिता, कै साल का होगा पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा भाई, चार गुना है ना, महेश का जो पिता है उसकी आयु का चार गुना है, तो 9 का 19 का चार गुना कर देंगे, 19 चौक 76 वर्ष का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यानी पिता की उम्र, विकास के पिता की उम्र जो है वो 12 साल बाद कितने की है, 76 की। अब इससे पिता से विकास की उम्र आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, क्योंकि विकास का उसके पिता से रिलेशन दिया गया है, लेकिन जो रिलेशन दिया गया है देखिए वो करंट का है, और ये जो पिता की जो उम्र मिली है वो 12 साल बाद की मिली है ना, तो हम इसका मतलब ये है कि हम उसके पिता की वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना,
वर्तमान क्या होगा, 76 साल में 12 साल घटा देंगे तो कितना आएगा, 64 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि पिता की जो उम्र है वर्तमान में वो कितने की है, 64 साल की है। और विकास अपने पिता से आठवां भाग है, तो विकास की उम्र कितनी हो जाएगी, विकास की उम्र क्या हो जाएगी, 64 का आठवां भाग। आठवां भाग क्या आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। विकास की करंट में एज कितनी है, 8 साल है। पूछा 8 करंट का ही है क्या, वर्तमान में उम्र पूछा क्या, हाँ विकास की वर्तमान उम्र पूछा है, तो विकास की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 8 वर्ष। बताइए भाई किसी को दिक्कत हो, कंफर्म हुआ, फिर से रिपीट कर दें, देख लीजिए। सब लोग कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग तो मज़ा नहीं आती है। वीडियो को फैला देना चाहिए ना सबको, अपने दोस्तों के को सबको बता देना चाहिए ना कि इतने बजे क्लासेस हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ। देखिए इसमें क्या किया, यहाँ से सबसे पहले नोटिस इसमें ये करना है कि महेश का वर्तमान में उम्र कितने की है। तो 500वां जन्मदिन उसने 2 साल पहले मनाया था, तो इसका मतलब 2 साल पहले 5 साल का था, तो करंट में कितने का होगा जाएगा, 7 साल का। और महेश से विकास के पिता में रिलेशन दिया गया है, और रिलेशन ये है कि महेश की आयु का वो 4 गुना है, लेकिन करंट में नहीं, 12 साल बाद का है, तो हमने 12 साल बाद उम्र निकाल ली महेश की। तो 7 साल आज है, तो 12 साल जोड़ दिया 19 साल, 19 से उसके पिता की उम्र आ गई 4 गुनी 76 वर्ष। लेकिन जो उम्र आई है 76 वर्ष, वो 12 साल बाद की आई है ना, तो हम करंट में निकाल लेंगे उसके पिता की उम्र 64 साल, और 64 का आठवां भाग है विकास, तो आठवां भाग क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लगाइए सेम सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। कमेंट करके बताते रहिए भाई, आ गया फास्ट। फास्ट जल्दी फास्ट, गगनदीप जी आया, सब लोग कहाँ गए लाइव। हरिभवन, जानवी, चलिए देखिए हम बता रहे हैं जिसका आ गया। देखिए कह रहा है राहुल का की आयु उसके पिता की आयु का 10वां भाग है, 5 साल बाद उसके पिता विनोद की आयु का 3 गुना होगी, यदि विनोद का 5वां जन्मदिन 5 वर्ष पूर्व। यानी इसका मतलब कहने का ये है, विनोद की करंट में उम्र पता है, विनोद की करंट में उम्र क्या है, क्योंकि उसने 5वां जन्मदिन 5 साल पहले मनाया है। इसका मतलब 5 साल पहले वो 5 साल का था, तो करंट में कितने का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक। विनोद का अगर करंट में बाद 10 साल उम्र है, तो कह रहा है 5 साल बाद कितने का होगा, क्योंकि रिलेशन 5 साल बाद का दिया है, तो विनोद का 5 वर्ष बाद की उम्र क्या हो जाएगी, तो 10 साल में हम 5 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगी, 15 वर्ष। जबकि रिलेशन दिया गया है विनोद के, राहुल के पिता की उम्र विनोद से, और वो भी कै साल बाद, 5 साल बाद, तो कै गुनी थी, 3 गुनी थी। तो इसका मतलब है कि राहुल के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। लेकिन ये जो 45 वर्ष आया है, ये कब का आया है, 5 साल बाद का आया है। इसका मतलब हम राहुल के पिता की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 5 इक्वल टू 40, यानी 40 वर्ष के। बस राहुल के पिता की उम्र आ गई, जबकि राहुल की उम्र उसके पिता की उम्र का कौन सा भाग है, 10वां भाग है। तो राहुल की उम्र क्या हो जाएगी, राहुल की उम्र जो हो जाएगी वो उसका 10वां, 40 का 10वां भाग कै साल हो जाएगा, 4 साल।
राहुल की वर्तमान उम्र 4 साल है, पूछा वर्तमान का ही है क्या, कब का पूछा, राहुल की वर्तमान उम्र क्या होगी, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आ गया, आकांक्षा जी आ गया, हंसराज जी, चलिए नेक्स्ट चले, थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं तब फिर इस पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि जैसे उसमें रिलेशन बताता है, पिता और पुत्र में रिलेशन बताता है, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है, कहता है पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। इसका लॉजिक मतलब इसकी हिंदी से ये पता लगा कि जब ये पुत्र जैसे जो आज जो इस पुत्र की जो उम्र है, आज करंट में पुत्र की जो आज की उम्र है वो, यानी आयु जो है आज की आयु पुत्र की, पुत्र की जो आज आयु है वो पिता की आयु कब थी, जब ये पैदा हुआ था तब उस उतनी ही उम्र पिता की भी थी। जैसे अगर सपोज करिए कि ये अगर आज 20 वर्ष का है, पुत्र अगर 20 वर्ष का है तो जब ये पुत्र पैदा हुआ था तब इसके पिता की उम्र भी 20 वर्ष थी। ये सवाल का निष्कर्ष का मतलब यही होता है कि कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। इसका मतलब जो आज पुत्र की वर्तमान उम्र है वही उम्र उसके पिता की भी थी, लेकिन कब, जब ये पुत्र पैदा हुआ था तब, अभी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में पिता और पुत्र की जो रिलेशन आता है, पिता और पुत्र की आयु में जो रिलेशन आता है वो ये होता है कि पिता जो है वो पुत्र की उम्र का 2 गुना होता है। अगर पुत्र है तो पुत्र में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, पिता के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर पिता की उम्र पता है और पुत्र की उम्र निकालना है तो पिता की आधा होता है, बात वही एक ही है। अगर पिता की उम्र देकर पुत्र की पूछेगा या पुत्र की देकर पिता की पूछेगा तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि पिता जो होता है वो पुत्र की उम्र का क्या होता है, 2 गुना होता है, और पुत्र जो होता है वो पिता की उम्र का आधा होता है, ठीक है। अब सपोज करिए अगर ये कहें कि पुत्र 20 साल का है तो पिता कितने का होगा, तो पिता इसका 2 गुना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर यहाँ से अगर समझना भी चाहें तो अगर पिता 40 साल का है और पुत्र अगर 20 साल का है तो 20 साल पहले पुत्र पैदा हुआ था तो 20 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, 20 ही तो रही होगी, इसकी भी वर्तमान में 20 है और जब ये पैदा हुआ था तब भी इसकी 20 है, यही इसका लॉजिक है, यही ये कहना चाह रहा है। तो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, पिता की उम्र दिया है पुत्र की पूछ रहा है या पुत्र की दिया है पिता की पूछ रहा है, तो दोनों में से किसी क्या कर दें, 2 गुना या फिर उसका आधा कर देंगे, जैसे कि आप आते हैं एग्जाम्पल पर, इसको लगाइए, लगा लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी प्रेम मौर्या जी जल्दी बताइए, विभा शुक्ला, रोहित यादव, शिवम मिश्रा, गगनदीप कहाँ हैं, रमाकांत, जन्मेजय जी याद नहीं दिख रहे हैं, आ गया होगा ना। देखिए यहाँ पे पिता की दिया है और पुत्र की पूछ रहा है ना, पिता कै साल का है, 36 साल का है, इसका मतलब पुत्र कितने का होगा, 18 साल का हो जाएगा बस, लेकिन ये इसकी वर्तमान उम्र है और पूछा कब का है, 5 साल पहले पूछा, तो 5 साल इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया होगा, फटाफट लगाइए भाई। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यदि उस समय पुत्र की 22 वर्ष उम्र हो तो पिता की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? तो करंट में तो पिता आ ही जाएगा ना, करंट ये अगर 22 साल का है तो करंट में पिता कितने का होगा? 44, 3 साल बाद कह रहा है तो कितना हो जाएगा? 47 वर्ष। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? बोलिए भाई, आगे चलते। इसमें भी कहीं ना कहीं रिलेशन दिया रहता है, आप समझ रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन इसमें भी रहता है, आपको पता रहता है रिलेशन, बस खाली आपको इसमें चेक करना है। कह रहा आपकी माता आपके पिता से 4 साल बड़ी हैं, छोटी हैं, और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी उम्र 6 वर्ष हो तो आपकी माता की उम्र क्या होगी? कुछ करना थोड़ी ना इसमें, सबको रिलेशन दिया। आपकी उम्र क्या साल की है? 6 वर्ष की है, यानी आप कै वर्ष के हैं? 6 वर्ष के हैं। और आपके पिता आपकी उम्र का कै गुना है? 6 गुना है। तो आपके पिता कितने के हो जाएंगे? 36 वर्ष के हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अब देखिए आपके पिता 36 हो गए और माता कितने की हो जाएंगी? आपको पता लग जाएगा, क्यों? क्योंकि पिता माता जो है वो पिता से कई साल छोटी हैं? 4 साल। तो माता कितनी हो जाएंगी? 32 साल की। बस यही इसका राइट आंसर है, कौन सा? डी। भाई माता जो है वो पिता से 4 वर्ष छोटी है ना, तो पिता की में से अगर माता की उम्र निकालना है तो पिता में से 4 साल घटा दो, बस माता की याद, ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी वही है। फटाफट दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स करते रहिए, इतने कम लोग लाइव आते हो तो क्या होगा, वाचिंग पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है सब। फटाफट आ गया ना। अरे भाई पुत्री अब 15 वर्ष की है, पुत्री से माता का रिलेशन दिया है और माता से पिता का रिलेशन दिया गया है। पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री कै साल की है? पुत्री कै साल की है? 15 वर्ष की है। तो माता कितने की हो जाएगी? 45 वर्ष की। 15 का 3 गुना कितना होगा? 45 वर्ष। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर। अब कह रहा है पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता 5 साल बड़ा है किससे? माता से। तो माता में 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? 50 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट, पिता की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है, कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछा है, अभी नहीं, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछा है। ये चीज़ें हैं, ये तो जो 50 वर्ष आया है ये करंट में आया है, वर्तमान में आया ना, और हमसे पूछा है पुत्री के जन्म के समय। तो पुत्री कै साल की है? 15 की ना, इसका मतलब 15 साल पहले पुत्री की जन्म हुई थी, तो 15 साल पहले पिता किस साल का था? तो 50 में 15 साल घटा देंगे कितना आ जाएगा? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत भाई? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट लगाइए भाई, नोट करते चलिए, दिक्कत हो सब सवाल नोट कर चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी कहीं ना कहीं पुत्री की उम्र पता है, फटाक से बताइए भाई। आ गया? आ गया होगा भाई, इसका भी उत्तर 35 ही वर्ष होगा,
देखिए भाई, आधिया पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है, माता की आय पुत्री की आय भी 4 गुनी है, पुत्री कहीं ना कहीं पता है, बस इसमें सीधा नहीं दिया है। पुत्री 3 वर्ष पहले 5 साल की थी, 3 साल पहले 5 साल की थी, तो करंट में कितनी की हो जाएगी, 8 वर्ष की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब हो जाएगी तो इसके बाद माता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता जो है वो पुत्री की आय की 4 गुनी है, तो 32 साल की हो गई। पिता कितने की है, तो पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 साल माता की उम्र में पिता की उम्र निकालने के लिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। यही इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ, बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कहीं ना कहीं पता है, ठीक है ना, बस घुमा रहा है सवाल को, हिंदी लैंग्वेज में है इसीलिए इसको ज़्यादातर प्राथमिकता रीजनिंग पे दिया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ज़्यादातर रीजनिंग पॉइंट पे दिया जाता है। फटाफट बताइए भाई, शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए। जो लोग लाइव नहीं आ पाते हैं वो बाद में वीडियो को देख लिया करिए, मान लो किसी कारण से, कोशिश किया करिए कि लाइव देखें। वो ग्रुप में देखना और ग्रुप में सवाल का जवाब देना ही अलग अलग इशू होता है, ठीक है ना। कितना आया, 60 वर्ष सबका बताना पड़ेगा, देख लीजिए फट से बता देते हैं। किरायत गुलजार की वर्तमान उम्र में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 साल छोटा है, इसका मतलब महेश की उम्र 5 साल है और अनूप की आयु कितनी हो जाएगी पता लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अनूप जो है वो महेश से 2 साल छोटा है, तो महेश का अगर की उम्र कितनी है, 5 साल है ना, तो इसका मतलब इसकी 3 साल है ना, यानी अनूप की उम्र वर्तमान में कितनी है, 3 साल की है। अब ये 3 साल आया कैसे, क्या किया, गुलजार की उम्र में पहले 3 से क्या किया गया, गुलजार की जो उम्र थी उसमें से हम 6 घटाया, ये गुलजार की उम्र थी ये 6 घटाया, जो घटाने के बाद जो आया उसमें हम 18 से भाग दिए, 18 से जब भाग दिए तो किसकी आयु प्राप्त हुई, अनूप की, अनूप मतलब 3 वर्ष प्राप्त हुआ, यही तो हुआ, ये इसके बराबर है, बस तिरछा गुणा करा दो। तो गुलजार की उम्र निकालना है ना, गुलजार की उम्र निकालना है, तो गुलजार कितना हो जाएगा, अब गुलजार की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कराएंगे तो 18 54 और मैं ये प्लस जाएगा, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 54 से 60 वर्ष, यानी गुलजार की उम्र क्या थी, 60 वर्ष थी, बस ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए भाई, कमेंट करते रहो भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। फटाफट लगाइए, जल्दी जवाब दीजिए, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं या फिर बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। आ गया, कितना आया, नहीं आया क्या, 30 नहीं आएगा। चलिए देखिए, इसके राइट आंसर 36 है, देख लीजिए कैसे आएगा। मेरी माता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है, मैं अपने भाई की आयु से 1/3 बड़ा हूँ, 4 साल पहले मेरी आयु मेरे भाई की वर्तमान उम्र के बराबर थी। ये चीज़ें हैं, मेरे और मेरे भाई में, यानी मैं और भाई, ये कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 बड़ा हूँ, ये जो है इससे 1/3 बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और कह रहा है 4 साल पहले मेरी आयु मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी। इसका मतलब है कि ये कह सकते हैं, ये भी तो हम लोग अंदर ही तो है, 4 साल पहले मेरी आयु और मेरे भाई की उम्र बराबर थी, इसका मतलब ये मेरी और मेरे भाई की उम्र में कै साल का अंतर है, 4 ही तो है, 4 साल का अंतर है, और जबकि यहाँ पे कितने का, 1/3 का अंतर है, तो इसका मतलब 1/3 यानी 1/3 कितने वर्ष के बराबर है, 4 के, तो 1 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, यानी इसका मतलब ये हो गया
कि मेरे भाई की जो उम्र है वो कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। अगर मेरी पूछेगा तो मैं 4 साल इससे बड़ा हूँ, तो यानी मेरी कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। अब लेकिन मेरी तो थोड़ी पूछा, माता की पूछा, तो माता का रिलेशन उसके भाई से दिया है ना। भाई की उम्र मेरी, माता की उम्र मेरे भाई से 3 गुनी है, मेरे से नहीं मेरे भाई से, तो भाई की 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, किसी भाई को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। आ गया, कितना आएगा, 2 वर्ष नहीं आएगा, 3 वर्ष आएगा। इसका राइट आंसर तीसरा, देखिए कह रहा है 5 साल पहले, बहुत स्लो लगा रहे हो आप लोग, पढ़ते ही नहीं हो, आराम से मस्त में हो, तब एग्ज़ाम सर पे आएगा तब छटपटाओगे, तब कहेगा ना पढ़ लिए होते तो, दूसरों की सफलता बहुत जलन होती है, लेकिन आपने क्या किया ये नहीं देखते हो। 5 साल पहले कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी, कहीं ना कहीं एवरेज से कनेक्टेड है, इसलिए देखिए इसमें एवरेज क्या करना है, योग निकाल लेना, कुछ करना है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत को पदों की संख्या से गुणा करा लेंगे, यानी हम कह सकते हैं 5 साल पूर्व क्या था, पति पत्नी थी, यानी 2 पर्सन थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 22 वर्ष थी, तो योग कितना हो जाएगा, 22 गुणे 2 ही लोग थे, 44 वर्ष, ठीक, यानी 5 साल पहले कितनी थी, 44 थी, तो करंट में कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की उम्र में 5-5 साल की वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 44 में 5-5 10 साल जोड़ देंगे, 54 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया, यानी का ये कह सकते हैं कि वर्तमान में पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है, जबकि कह रहा है अब परिवार की औसत आयु 19 वर्ष हो गई, उसमें एक बच्चे की जन्म हो गया ना, अब परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, अब उसकी औसत आयु 19 वर्ष हो गई, इसका मतलब अब पर्सन परिवार में कितने लोग हो गए, 3, तो इसका योग निकाल लेंगे, योग कितना हो जाएगा, 19 गुणे 3, अब भाई 3 पर्सन हो गए, पति पत्नी एक बच्चा, और औसत थी 19 दिया 57 वर्ष, यानी वर्तमान में योग 57 वर्ष है, और पति जिसमें से पति पत्नी की आयु का योग कितना है, 54 वर्ष, तो 57 में 54 घटा देंगे, जो बचा है वो पुत्र ही तो है, और पुत्र की उम्र कैसे आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी, यही इसका राइट आंसर है, क्लियर भाई, किसी दिक्कत, किसी भी दोस्त को कमेंट करके बताया करो, दिक्कत है तो, सबका कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन करे रहोगे तो कल का तो पूछा ही सकता है ना, डिस्क्राइब ये बताता ही नहीं किसको दिक्कत कहाँ है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको, इसमें कुछ करना नहीं कर रहा, ए और बी की आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है, तो कितने समय वर्ष बाद ए की आय बी की आय की 2 गुनी हो जाएगी, अभी करंट में ए कितने का है, 36 का है, और बी कितने का है, 16 वर्ष का, डायरेक्टली अगर लगाना चाहो तो देख सकते हो, कह रहा है कितने साल बाद ये ए जो है वो बी का 2 गुना हो जाएगा, तो ये अगर 20 हो ये 40 हो तब तो 2 गुना है ना, और 36 और 40 16 और 20 में कितने का अंतर है, 4 का, तो इसके भी ऐसे भी लगा सकते हो 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, ऐसे ओरल भी लगा सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, फिर वही मानना पड़ेगा ना। अब हम मान लेते हैं कि यक्ष वर्ष बाद, तो हम यक्ष वर्ष बाद का मतलब है कि एक्सिस में जोड़ दिया और बी में भी एक्स जोड़ देंगे, एक साल बाद नहीं माना है ना, अब एक साल बाद क्या हो गया, ये जो है इसकी उम्र का 2 गुना हो गया, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो दोनों की उम्र आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 36 प्लस यक्स इक्वल टू 32, 16 दूना 32 प्लस 2 यक्स, पक्षांतर का नियम लगेगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और वो उधर जाएगा तो
कितना हो जाएगा, यक्स, चार यक्स बराबर क्या आ गया, चार। ऐसे भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत भाई? ये एज में इतने टाइप्स के सवाल होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इतना कंफर्म कर लेते हैं तो आपको कभी भी एज में होता नहीं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके तीन पार्ट्स हमने आपको क्लास कराई है, तीनों क्लास अगर आपको, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, पहली क्लास कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसका पार्ट वन पार्ट टू इसको आपको मिल जाएगा। तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरा होगा। सभी को वीडियो देखने के लिए हाँ, एक बात और बतानी है आप लोगों की, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव नहीं आ रहे हैं, इससे हम लोगों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उत्साह, जैसे कहते हैं नहीं कि उत्साह कम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे, क्लास ऑनलाइन देखेंगे, तो हमें उत्साह भी मिलता है, क्योंकि हमें लगता है ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और इस दिशा निर्देश में हम लोग को और बेहतर मेहनत करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखिए, क्योंकि कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के दौर में अगर आप घर बैठ के अगर आप सब हाथ धोकर या फिर फेसबुक या ट्विटर या फिर इस चीज़ें टिकटॉक देखते हो या उसको बनाते हो, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 तो काला समय माना ही जा रहा है, लेकिन इस काले को वाइट बना सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, अपना भविष्य जो है यहाँ सुनिश्चित बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सब लोग पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप लोग के मित्र में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इससे ये दिक्कत आपको नहीं होगी कि वो पढ़े रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो किसका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन, एक दूसरे में कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुभव हमारा जो रहा है, क्योंकि हमारे आज के हम लोग दो रूम पार्टनर थे, उसमें देखिए एक दूसरे में बहुत कंपटीशन होता था। अगर वो सुबह उठ के पढ़ रहा है तो मुझे भी नींद नहीं आती थी कि वो कैसे पढ़ रहा है, भले कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन देखिए क्या हुआ, वो अपना भविष्य सुनिश्चित तो कर ही रहा है, साथ साथ मेरा भी उसके साथ कर दिया। तो ये चीज़ें, ऐसा होता नहीं है कि कंपटीशन में वो पढ़ रहा है तो मैं कैसे, या ऐसे कुछ विचारधारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे बहुत से लोगों का भी भविष्य सुनिश्चित होगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए वीडियो को बार बार। आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, या अगर आते हैं कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं फिर दो ही मिनट में सब लोग कम हो जाते हैं। तो ये अल्टरनेटिव जो आप लोग आना जाना रहता है, जब आए चले गए, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूटी आपके बेहतर के, आपके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मन से मेहनत से करिए, आप अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपने अगर आप अपने आप को 100% दे रहे हैं तो ये श्योर है, ये सुनिश्चित है कि आपका भले ही थोड़ा देर हो, लेकिन सफलता आपके हाथ जरूर आएगी। और काबिल बनिए, काबिल बन जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, रिस्पेक्ट तभी मिलता है। यहाँ हमारे आपको लगता है सर मेरा नाम नहीं लिए, आपका नाम नहीं लिया या इसका नाम लिया, लेकिन नाम लेने से कुछ थोड़ी ना होगा, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, नाम आपका ये होना कि आप ऐसा कुछ करिए कि जो लोग आपको आपके कहने से नाम ना लें, आपका रिस्पेक्ट स्वयं करें, वो आपके लिए वो जो सुखद पल होगा वो आपको बहुत सुखद देगा। तो इसलिए उस सब चीज़ को ध्यान में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हाँ, अगर वीडियो में थोड़ी सी अगर कुछ कमियाँ, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, आप लोग में अगर कोई सुझाव लग रहा है तो आप लोग सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम लोग उसका इम्प्लीमेंट करते भी हैं, कर भी रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे, हम लोग बेहतर आपके भविष्य के लिए बेहतर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए, अगर आपका भविष्य अच्छा होगा तो मेरा भी उसी के साथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आदमी क्या होता है, एक गुरु का यही सबसे बड़ा उपलब्धि होती है कि अगर उसका शिष्य अच्छा हो जाएगा तो उसकी अपने आप पहचान बन जाती है। तो यही, इसी को बताते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। सभी को आपको यहाँ पर इसी को ध्यान में रखना है, फिर आगे मिलेंगे। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।